फार्मिंग करते हैं, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों यह वीडियो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं इसमें बताया हूँ कि आप लोगों को फ्री रेंज फार्मिंग कैसे करना है और इसके क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। तो देखिए साथियों, अगर आप लोग फ्री रेंज मुर्गी पालन करते हैं, मतलब अगर आप लोग मुर्गियों को बाहर छोड़ देते हैं, तो यहाँ से आप लोगों को बहुत सारा फ़ायदा होता है। सबसे पहला फ़ायदा तो यह है कि मुर्गियों के फीड का खर्च कम हो जाता है, मुर्गियाँ बाहर घूमती हैं, बाहर मुर्गियों को कीड़े मकोड़े मिलते हैं और उसके साथ साथ मुर्गियों को बहुत सारे हरे चारे मिल जाते हैं और वह मुर्गियाँ खा लेती हैं और वहाँ से मुर्गियों को बहुत सारा पोषक तत्व भी मिलता है और मुर्गियों का फीड का खर्च होता है जो दोस्तों वो भी कम हो जाता है। अगर आप लोग भी फ्री रेंज फार्मिंग करते हैं तो यहाँ से आप लोगों को दो नंबर फायदा यह होता है कि जब मुर्गियाँ बाहर घूमने जाती हैं तब मुर्गियों को बाहर की रोशनी भी मिलता है, यानी कि सूर्य का प्रकाश भी लगता है उनको, उसके साथ साथ मुर्गियों को बाहर का धूप भी मिलता है, जिसके कारण मुर्गियों के पंखों में चमक आती है, मुर्गियां दिखने में अट्रैक्टिव होती हैं, यानी कि बहुत ही अच्छी दिखाई देती हैं, जिसके कारण मुर्गियों को सेल करने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है और मुर्गियों को आप लोग एक अच्छे दामों में बेच सकते हैं, यानी कि सेल कर सकते हैं। अगर आप लोग फ्री रेंज फार्मिंग करते हैं तो यहाँ से आप लोगों को तीसरा नंबर फ़ायदा यह होता है कि जब आप मुर्गियाँ बाहर घूमती हैं, बाहर दौड़ती हैं, तो मुर्गियों के मांस का स्वाद भी अच्छा होता है, मुर्गियों का मांस टाइट हो जाता है, जिसके कारण मुर्गियों को आप लोगों को एक अच्छे दामों में सेल कर पाएंगे। देखिए साथियों, अगर आप लोग देसी मुर्गियों को फार्म के अंदर रखकर सिर्फ कॉमर्शियल फीड खिलाकर पालते हैं, तो मुर्गियों का जो मांस होता है वो नरम हो जाता है, जिसके कारण वह देसी मुर्गियों के मांस जैसा नहीं लगता है। और जब आप लोग देसी मुर्गियों के फार्म के अंदर रखकर कॉमर्शियल फीड खिलाकर पालते हैं तो आप लोगों की पूंजी भी ज़्यादा लगती है और आप लोगों का खर्च भी ज़्यादा बढ़ जाता है। पर अगर आप लोग देसी मुर्गियों को बाहर छोड़कर पालते हैं तो आप लोगों को खर्च में भी कम खर्च में भी देसी मुर्गियां तैयार कर सकते हैं। देखिए साथियों, अगर आप लोग 50 या 100 देसी मुर्गी पालन करते हैं तो उन मुर्गियों को आप लोग घर का बनाया फीड और घर में जो भी वेस्टेज खाना होता है, अगर आप लोगों के घर में धान चावल मक्का बाजरा होता है, वह इस तरीके से चीज़ें खिलाकर भी उन्हें तैयार कर सकते हैं। और जब आप लोग इस तरीके से चीज़ें खिलाकर मुर्गियों को तैयार कर ले तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है। जब आप लोग कमर्शियल फीड मुर्गियों को नहीं खिलाएंगे तो कमर्शियल फीड का खर्चा आप लोगों का जो खर्चा होता है कमर्शियल फीड का, यानी कि बाजार मार्केट से जो भी फीड खरीद के लाते हैं, उसका खर्चा बच जाएगा और आप लोगों का मुनाफा होगा। अगर आप लोग फ्री रेंज फार्मिंग करते हैं तो चौथा नंबर फ़ायदा यह है कि देसी मुर्गी में जो एक समस्या दिखाई देती है वो ये है कि मुर्गियां एक दूसरे के पंख नोचती हैं। जी हाँ दोस्तों, एक दूसरे का वो पंख नोचने लगती हैं और एक दूसरे को काटने लगती हैं, यानी कि उनके पंखे उखाड़ने लगती हैं मुर्गियों को, यानी कि एक दूसरे को घायल भी कर देती हैं। यह समस्या आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। फ्री रेंज फार्मिंग करेंगे तो ये समस्या आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। देखिए साथियों, जब जब आप लोग ज़्यादा मात्रा में देसी मुर्गी पालन करते हैं और उन मुर्गियों को आप लोग फार्म के अंदर रखते हैं, पालते हैं, तो मुर्गियों को स्ट्रेस हो जाता है और स्ट्रेस होने के कारण मुर्गियाँ एक दूसरे के पंख नोचती हैं और मुर्गियाँ एक दूसरे को घायल कर देती हैं, बहुत सारी मुर्गियाँ मर जाती हैं। और अगर आप लोग उन मुर्गियों को बाहर छोड़ देते हैं, यानी कि खुले में अगर छोड़ देते हैं तो यह समस्या आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, जिसके कारण मुर्गियों के पंख भी अच्छे रहेंगे और मुर्गियों के पंख अच्छे होने से मुर्गियों में बहुत ही सुंदर दिखाई देंगे, जिस सुंदर दिखने के कारण उनको आप लोग अच्छे दामों में सेल कर पाएंगे मुर्गियों को, और उनसे आपको सेल करने में कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप लोग फ्री रेंज फार्मिंग करते हैं तो पांचवा फायदा यह होता है कि मुर्गियों को बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, यानी कि मुर्गियों का रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाता है। देखिए साथियों, जब आप लोग मुर्गियों को बाहर छोड़ देते हैं तो मुर्गियां इधर उधर दौड़ती हैं, जिनके कारण उनका एक्सरसाइज भी हो जाता है और उसी
इसी वजह से बहुत सारी बीमारियों को आसानी से अटैक नहीं कर पाते हैं। एक समस्या मुर्गियों में बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, वह है लंगड़ापन यानी कि पैरालाइसिस की समस्या। और जब आप लोग मुर्गियों को बाहर छोड़ देते हैं तो उनका एक्सरसाइज होता है, जिसके कारण यह समस्या भी ज़्यादा मुर्गियों में देखने को नहीं मिलता। साथियों, यह तो थे फ्री रेंज मुर्गी पालन के फायदे। अब मैं आप लोगों को बताऊँगा कि फ्री रेंज मुर्गी पालन करते समय आप लोगों को किन किन बातों पर ध्यान देना है, यानी कि किन किन गलतियों को नहीं करना है, जिसके बारे में देखिए साथियों। अगर आप लोग फ्री रेंज फार्मिंग करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को एक गलती कभी भी नहीं करना है, वो यह है कि छोटे चूजों को कभी भी बाहर नहीं छोड़ना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके छोटे छोटे चूजे हैं जो 1 मंथ के हैं, उनको बाहर में खुले में नहीं छोड़ना है। जब मुर्गियाँ आधी किलो हो जाए यानी कि 500 ग्राम की हो जाए तब से उन्हें बाहर छोड़ना है। अगर आप लोगों को चूजे छोटे हैं बाहर छोड़ते हैं तो उन्हें चील कौवा उन चूजों को उठा ले जाते हैं, या बाहर जो गंदगी होता है वह गंदगी की वजह से चूजे इधर उधर बहुत सारी बीमारियों के चपेट में आके मर जाते हैं। और बाहर ठंड होने की वजह से चूजों में तरह तरह की बीमारियां दिखाई देती हैं और बहुत सारे चूजे मर जाते हैं। इसलिए जब उनका आधा किलो वजन हो जाए तब ही उन्हें बाहर छोड़ें, यानी कि फ्री रेंज फार्मिंग करते समय। दूसरा नंबर यह है कि दूसरे नंबर बात करेंगे, आप लोगों को ध्यान यह देना है कि मुर्गियों को कभी भी बारिश में भीगने के लिए बाहर नहीं छोड़ना है। मुर्गियां बारिश में भीग जाती हैं तो मुर्गियों को सर्दी जुकाम हो जाता है, वही बाद में CRD हो जाता है और उसके बाद मुर्गियों को बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसलिए मुर्गियों को बारिश के पानी में भीगने ना पाए, इस बात पर आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देना है फ्री रेंज फार्मिंग करते समय। तीसरा नंबर यह है कि आप लोगों को बता दें, आप लोगों को यह ध्यान देना है कि मुर्गियों को अगर आप लोग बाहर छोड़ते हैं तो अगर वह ठंड का समय है यानी कि ठंड का मौसम है तो कभी भी मुर्गियों को जल्दी बाहर नहीं छोड़ना है। ठंड के समय में ठंड ज़्यादा होने के कारण उस समय अगर आप लोगों को सुबह सुबह जल्दी मुर्गियों को बाहर छोड़ देते हैं, मुर्गियों को ठंड लग सकता है और ठंड की वजह से मुर्गियों में तरह तरह की बीमारियाँ दिखाई देती हैं। इसलिए ठंड के समय में बहुत ही जल्दी मुर्गियों को बाहर नहीं छोड़ना और एकदम शाम के समय तक मुर्गियों को बाहर नहीं रखना है। ठंड के समय में दोपहर के 2 या 3 बजे आप लोगों को मुर्गियों को फार्म के अंदर बुला सकते हैं फ्री रेंज फार्मिंग करते समय। चौथे नंबर पे ये बात तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि मुर्गियों को आप लोगों को जहाँ छोड़ते हैं वो एरिया साफ होना चाहिए, वो एरिया गंदा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा गंदगी होता है तो उसकी वजह से मुर्गियों में तरह तरह की बीमारियां दिखाई देती हैं। इसलिए मुर्गियों को आप लोग जहाँ छोड़ते हैं वहाँ आप लोगों को साफ रखना है कि फ्री रेंज फार्मिंग करते समय। 5 नंबर आप लोगों को ध्यान देना है कि मुर्गियों को जहाँ पानी इकट्ठा होता है वो जहाँ पानी पीने के लिए जाती हैं, यानी जो बारिश का पानी रहता है, बारिश का पानी इकट्ठा रहता है, वो पानी पीने के लिए उनको नहीं देना है, क्योंकि बारिश का पानी हर जगह इकट्ठा होता है और वो पानी मुर्गियां पीती हैं, जिसकी वजह से मुर्गियों में बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए जो पानी बाहर इकट्ठा होता है पानी कभी भी मुर्गियों को पीने के लिए नहीं देना है। तो साथियों, ये थे कुछ जानकारियां जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्त और अपने परिवार के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो साथियों, यही थी कुछ जानकारियां जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर हमारी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि हम आप लोगों के लिए रोज़ नई नई वीडियो लाते रहें और आप लोगों को कुछ डेली बताते रहें। धन्यवाद दोस्तों।